हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन ट्रस्ट मी। ट्रस्ट मी के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि संजू अपने आप से बातें कर रही होती है और अपने किए को जस्टिफाई नहीं भी कर रही होती और कर भी रही होती है। दोनों चीज़ें कर रही होती है, बैठे बैठे लेटे लेटे जॉर्डन के बारे में सोचती है। कहती है पटाखा क्या करो यार, दिल से उतरती नहीं है। इतना सब कुछ उसके साथ मैंने किया कि कहीं तो वो मुझसे दूर हो, किसी तरह तो वो मैं दूर करूं उसे खुद से, लेकिन मैं उसे अपने आप से दूर नहीं कर पा रही। इधर जॉर्डन गुस्से में अपने कमरे में इधर से उधर लेफ्ट राइट करती रहती है। उसे पूरी रात नींद नहीं आ रही होती। इधर संजू सो जाती है, लेकिन जॉर्डन गुस्से में पूरी रात बेचैनी में घूमती रहती है। कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, चक्कर काटती रहती है। और घूमते घूमते सुबह हो जाती है। अचानक जब उसके विंडो से सूरज की किरणें अंदर झांकती हुई नज़र आती हैं, तो उसे एहसास होता है कि सॉरी कि सुबह हो चुकी है। और वो वॉशरूम में जाती है, एक लंबी सांस लेती है और कहती है जॉर्डन, इस लड़ाई को बढ़ाना है या यही ख़त्म कर देना है, बस तुम्हें यह सोचना है। और इसके लिए मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आज दोपहर तक का वक्त दे रही हूँ। बढ़ाना छोड़ना, इसको खींचना क्या करना और क्या नहीं, ये पूरी तरह से फिर से तुम्हारे हाथ में। मतलब जॉर्डन खुद से ही बात कर रही होती है। और उसके बाद मन ही मन सोचती है कि देखते हैं क्या होता है, कैसे क्या करना है। अब और क्या कर सकते हैं क्या नहीं, फ्रेशन अप होती है और कॉलेज के लिए तैयार होने लगती है। तैयार होकर नीचे जाती है तो उसकी माँ उसे देखती है और कहती है जॉर्डन, तुम सोई नहीं हो क्या पूरी रात, क्योंकि उसकी आंखें लाल हो रही होती हैं। जॉर्डन अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती है नथिंग लाइक दैट मॉम। तो कहती है एवरीथिंग इज ओके ना। तो कहती है या मॉम, जस्ट हेडेक, नथिंग एल्स। ओके, टेक योर मेडिसिन एंड डू रेस्ट, डोंट गो टू कॉलेज टुडे। कहती है इट्स इम्पोर्टेंट मॉम, आई विल टेक द मेडिसिन। कह के वो ब्रेकफास्ट करने लगती है। और इधर सुबह होती है और तान्या की आंखें खुलती हैं। वो खुद को अक्के की बाहों में पाती है। उसके लिए तो मानो स्वर्ग आज अक्के की बाहों में ही था। उसे बड़ी खुशी होती है। उठती है और मन ही मन सोचती है कि आज मैं अक्के की बाहों में अक्के ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया सच में। उसे बड़ी खुशी होती है। तभी झुक के उसके होठों को चूमनी जा रही होती है कि अक्की की आंखें खुल जाती हैं और वो उठ के बैठ जाती है और कहती है क्या कर रही हो ये, हाँ क्या कर रही हो,
रात में तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ किया और अब फिर से स्टार्ट हो गई हो। नहीं मतलब क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम हर बार मेरा फायदा उठाने के फिराक में ही क्यों होती हो? तान्या को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और अक्की गुस्से में बोले चली जा रही होती है। तान्या कहती है कि क्या क्या हुआ है, मैंने कुछ किया है क्या तुम्हारे साथ? क्यों होश नहीं है? रात तो तुमने नशा कर लिया और नशे में फिर क्या क्या किया, तुम्हें कुछ भी होश नहीं है? मुझे तुमसे कुछ कहना ही नहीं है, जो हो गया उसे भूल जाओ। ये कह के वो उठ के बैठ जाती है और 2 मिनट तान्या की तरफ देखती है और वहाँ से उठ के जाने लगती है। तान्या अक्की के सामने जाती है और कहती है, प्लीज़ बताओ ना क्या किया मैंने तुम्हारे साथ, मैंने कुछ ऐसा वैसा कर दिया क्या? मुझे सच में याद नहीं है यार कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया और क्या नहीं। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने कुछ भी उल्टा सीधा किया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मैंने कुछ भी ऐसी वैसी हरकत की है तो प्लीज़ माफ़ कर दो। तो कहती है, मुझे बात ही नहीं करनी प्लीज़ अक्की, बताओ ना मैंने क्या किया तुम्हारे साथ, क्यों तुम इस तरह? तो अक्की तान्या को अपने सामने करती और उसी के सामने अपनी टी शर्ट का गला ऐसे नीचे करती और कहती है, देखो क्या किया तुमने, देख लो क्या किया। अक्की की एक तरफ के नेक पे जगह जगह हिक्के पड़े हुए थे, हिक्के मीन्स लव बाइट, जिसे देख के तान्या को सीरियसली समझ नहीं आता कि ये सच में था तो मैंने किया है। कहती है, नहीं पड़ोसी आए थे वो करके। अजीब बात करती हो, पूछ रही हो कि मैंने किया है, तुमने ही किया है ना, तुम ही थी रात भर नशे में मेरे साथ, तुम्हें मैंने कितना रोकने की कोशिश की, कितना तुम्हें समझाया, लेकिन तुम्हें मेरी बात ही नहीं समझ में आती है। हद करती हो यार, मानती हो तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन इसका मतलब ये सब करोगी? और तुमने सब कुछ, तान्या कहते सब कुछ मतलब हम दोनों के बीच में सब, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। तान्या मैंने कुछ नहीं, तो मैं नशे में थी, तुम तो नहीं थी, तुम तो मुझे रोक सकती थी। अक्की कहती है, डोंट ब्लेम मी, तुम काबू में ही नहीं आ रही थी मेरे तो मैं क्या करती, कैसे रोकती मैं तुम्हें भाई, नहीं आ रही थी तुम मेरे काबू में, बहुत रोकने की कोशिश की मैंने, तुम्हें नहीं रुकी तुम मुझसे, क्या करूं मैं? मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे, तुम जब भी मेरे क्लोज आती हो या तो मैं नशे में होती हूँ या तुम खुद, क्या चक्कर है? हाँ बोलो, जवाब चाहिए मुझे तुमसे। अब तान्या की तो आंखों में भर भर के आंसू होते हैं, ये कह के वो अपनी नजरें मतलब नीचे रखती है तो अक्की को पता नहीं चलता कि उसकी आंखें भरी हुई हैं। ये कह के अक्की वॉशरूम में चले जाती, कहती है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, अब जो हो चुका है उसे भूल जाओ, उस बारे में मुझे तुमसे बार बार बात नहीं करनी। ये कह के वो वॉशरूम चले जाती है। इधर तान्या अपना बैग उठाती है और उसे पैक करने लगती है और आंखों से आंसू धड़धड़ा के गिरने लगते हैं, जो पलकों के बांध पे अभी तक वो रुके हुए होते हैं वो रुकते नहीं हैं। वो किसी सैलाब की तरह आंखों को पार कर देते हैं, अपना सामान पैक करती रहती है और आंखों से आंसू की बरसात होती रहती है।
वो बैग उठाती है और निकलने लगती है कि तभी अक्की बाहर आती है। वो रूम से तान्या को जाते हुए देखती है तो उसके पीछे आती है और कहती है, कहाँ जा रही हो तुम? ये बैग वैग पैक करके। तान्या बिना उसकी तरफ देखे जवाब देती है कि मैं तुम्हारे साथ रहने लायक नहीं हूँ, तुम सही कह रही हो, मैंने हमेशा बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हारे साथ, हम सॉरी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, अब मैं तुमसे दूर रहूँ तो अच्छा है, शायद मेरी सजा यही है। ये कह के वो निकलने लगती है तो तान्या आके कहती है, तुम्हारी सजा क्या है और क्या नहीं ये डिसाइड करने वाली मैं हूँ, तुमने मेरे साथ गलत किया है, अपने साथ नहीं। तो बिना मेरी मर्जी के तुम यहाँ से एक कदम बाहर नहीं निकाल सकती हो, तुम्हें सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है, किसी और को नहीं, इवन तुम्हें भी नहीं। तो तान्या बिना उसकी तरफ देखे कहती है, तो तुम ही मेरी सजा बता दो, क्या सजा मुकर्रर की है मेरे लिए? तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ मेरी पार्टनर बन के रहना पड़ेगा। तान्या कहते, ठीक है, मैं आज के बाद ऐसे ही। अचानक से उसे समझ में आता है कि तान्या ने अक्की ने तान्या को क्या कहा है, तो वो पलके उठा के अक्की को देखती है। अक्की खड़ी हो के मुस्कुरा रही होती है। तान्या उसे मतलब अक्की के चेहरे की स्माइल और जो उसने सुना हुआ होता है वो दोबारा से कहती, क्या कहा तुमने? कहती, यही कि तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, अब तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ किया है तो तुम्हें छोड़ थोड़ी सकती हूँ मैं, ऑब्वियस है ना। तन्ना कहती है, गिल्ट में मुझे अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं भाई, कल को तुम खुद को फिर मुझे ब्लेम करोगे कि एक तो हमारे बीच सब कुछ हो गया, तुम नशे में थी, मैं होश में थी, इतना सब कुछ हो गया हमारे बीच और अब फिर मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारा फ़ायदा उठा लिया। मैं ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहती, तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। अब तान्या को और बुरा लगने लगता है, तो कहती है, नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, लेकिन मैं जा रही हूँ यहाँ से। एक है कि वो बाहर निकलने लगते तो तान्या किस पर दौड़ के उसके पास जाती है और उसे का हाथ पकड़ती है, उसके हाथ से बैग पकड़ के खींचती है और दूसरी तरफ फेंकती और कहती है, बेवकूफ इंसान, मजाक कर रही थी, तुम्हारे साथ रहना है मुझे, इसलिए नहीं कि हमारे बीच कुछ हुआ, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, समझ में आया? तुम्हारे साथ मुझे पसंद आने लगा है, पसंद आने के अलावा है, मैं तुम्हारे बिना अधूरा फील करती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। नहीं, आप ये सब मेरा सब सिर्फ मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हैं, मुझे गिल्ट से निकालने के लिए, ऐसा नहीं है, हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं पागल लड़की, तुम अभी भी प्योर हो, आप झूठ बोल रहे हैं, तुम अभी भी प्योर हो, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ, स्वेयर ऑन माय मॉम, इससे बड़ी कसम मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, स्टिल मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती, इधर देखो मेरी आंखों में, मुझे तुम्हारा साथ पसंद है,
मुझे रियलाइज़ हुआ है कि तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ, बिल्कुल अधूरी। हाँ, बातें बना रहे हैं, मैं यहाँ से जाऊँगी तो बेघर हो जाऊँगी, इस वजह से आपस मुझ पर तरस। बस वो इतना ही बोल पाती है कि उसके होठों को अपने होठों में ले लेती है और उसे किस करने लगती है। तो आगे क्या होगा अभी नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।